परचेज गुड्स रुपीज 100 एंड डिस्काउंट डिस्काउंट रुपीज 10। हमने गुड्स परचेज किया 100 रुपीज का और डिस्काउंट कितने रुपीज था? 10 रुपीज। अब आप ये देखो कि ये हमारा बिजनेस है। अब देखो इसमें लिखा हुआ है कि ये हमारा बिजनेस है। अब इस बिजनेस के अंदर ये हमारा कोई पर्सन है जिससे हमने गुड्स परचेज किए हैं, ठीक है। अब हुआ क्या कि इसके पास कुछ गुड्स थे, मैं इससे परचेज करने गया, ठीक है। अब आगे कुछ लिखा तो है नहीं नाम, तो मैं ये मानूंगा कि मैंने इससे गुड्स कैश में परचेज करने गया, ठीक है, और इसने मुझे गुड्स दिए। लेकिन जब मैं इससे गुड्स परचेज करने गया तो मैंने इससे पूछा, भाई ये गुड्स कितने के दिए? तो इसने मुझे क्या बोला कि देखो ये गुड्स 100 रुपए के हैं। मैंने कहा देखो भैया हम तुम्हारे परमानेंट कस्टमर है, क्या हमें कोई डिस्काउंट नहीं दोगे? तो इसने बोला कि मैं आपको 10 रुपए का डिस्काउंट दूंगा और मैं आपसे 90 रुपए ही लूंगा और अब ये गुड्स मैं आपको 90 रुपए के दे दूंगा। मैंने इसको 90 रुपए दिए और 100 रुपए की कीमत वाला गुड्स परचेज करके घर आ गया। 100 रुपए की कीमत वाला गुड्स परचेज करके घर आ गया। मेरे घर वालों ने पूछा क्या लाए हो, तो मैंने बोला मैं गुड्स लाया हूं। और गुड्स गुड्स की कीमत जो थी वो तो थी 100 रुपए, लेकिन मैं जो देकर आया हूं वो कितने देकर आया हूं? 90 रुपए। तो अब आप जरा समझ के चले इस बात को कि इसमें जो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं वो तीन तरीके के अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। एक परचेज, आप देख पा रहे हैं, एक परचेज, दूसरा कैश, दूसरा अकाउंट अफेक्ट हो रहा है हमारा कैश, और तीसरा अकाउंट हमारा अफेक्ट हो रहा है डिस्काउंट, क्योंकि मैं उसको 10 रुपए कम देकर आया हूं, तो ये तीसरा अकाउंट हमारा डिस्काउंट अफेक्ट हो जाएगा। तो देखिए बेटे, अब आप देख सकते हो कि परचेज हमारा रियल अकाउंट है, कैश भी हमारा रियल अकाउंट है, क्योंकि ये पर्सनल अकाउंट के लिस्ट में नहीं आता। मैंने आप लोगों को जब समझाया था तो यही बताया था कि परचेज रियल अकाउंट के लिस्ट में आता है, ये गुड्स के पार्ट में है, और कैश आपकी एसेट्स का पार्ट बनता है, और कैश आपका रियल अकाउंट है, और डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट है, डिस्काउंट आपका नॉमिनल अकाउंट है। तो परचेज हो गया, कैश हो गया और डिस्काउंट हो गया। अब देखो बेटे, बात आती है रियल अकाउंट के अंदर, और हम रियल अकाउंट की अगर रूल लगाएं तो रियल अकाउंट का रूल ये कहता है जो आने वाली वस्तु है वो डेबिट हो जाती है और जो जाने वाली वस्तु है वो क्रेडिट हो जाती है। अगर आप अपनी बिजनेस के अंदर हैं और अगर आप गुड्स परचेज कर रहे हैं 100 रुपीज का गुड्स 90 रुपीज में, तो अब आप मुझे बताएं कि क्या परचेज आपके पास आ रहा है या जा रहा है? तो ऑब्वियस सी बात है आपका आंसर होगा सर परचेज हमारे पास आ रहा है। तो परचेज इस तरीके से आ जाएगा, हम उसको डेबिट कर देंगे। और हम इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि कैश हमारे हाथ से जा रहा है, तो कैश क्या होगा? चला जाएगा और वो क्रेडिट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि यहां पर दोनों में रियल अकाउंट था, परचेज भी रियल है और कैश भी रियल है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं डिस्काउंट की, तो डिस्काउंट मैंने 100 रुपए के अगेंस्ट में 90 रुपीज का ही पेमेंट किया है, तो क्या 10 रुपए यहां पर मेरा फायदा है या नुकसान? तो हमारा आंसर यह रहेगा कि यहां डिस्काउंट मेरा फायदा है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में ये देखते हैं कि जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेज है वो डेबिट होंगे और जितने भी गेन्स एंड इनकम्स है वो क्रेडिट होंगे, यानी जितने भी फायदे हैं वो क्रेडिट होंगे। मैंने उसको 10 रुपए कम पेमेंट किया है, 100 रुपए के गुड्स के अगेंस्ट में 90 रुपीज पेमेंट किया है, तो यहां मेरा डिस्काउंट फायदा हो जाएगा और एंट्री हो जाएगी, सबसे पहले डेबिट वाला लिखते हैं, एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, हमने परचेज किया है टोटल 100 रुपीज का, और जिसमें से मैंने टू कैश, कैश क्रेडिट हो रहा है क्योंकि मैं कैश दे रहा हूं, तो टू कैश अकाउंट मैंने कितने रुपीज का दिया? 90 रुपीज का, और डिस्काउंट मेरा फायदा हो गया और डिस्काउंट यहां क्रेडिट हो जाएगा, तो टू डिस्काउंट अकाउंट 10 रुपीज। तो देखिए अब आप देख सकते हो कि एंट्री मैंने कैसे की है, किस तरीके से की, परचेज डेबिट, टू कैश और टू डिस्काउंट, और नरेशन आ जाएगा बीइंग गुड्स परचेज रुपीज 100 एट अ डिस्काउंट ऑफ रुपीज 10, एट अ डिस्काउंट ऑफ रुपीज 10। तो यह है आपका फुल फ्लैश सॉल्यूशन।
तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब यहां अगर मैं आपको ये ट्रांजेक्शन लिखता हूं सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स रुपीज 100 एंड डिस्काउंट रुपीज 10। पहले ट्रांजेक्शन हमारा परचेज का था, अब हमारा ट्रांजेक्शन सेल का आ गया है। और अब आप देख सकते हो कि सेल के ट्रांजेक्शन में किस तरीके से, अब आप देख सकते हो कि सेल के ट्रांजेक्शन में हम किस तरीके से करने वाले हैं। तो ये है आपका कोई पर्टिकुलर पर्सन और आपके पास कुछ गुड्स हैं और वो गुड्स आपने सेल कर दिए इसको। अब जब सेल किया आपने तो सेल्स यानी गुड्स आपके चले जाएंगे इस पर्सन के पास, वो गुड्स आपके चले जाएंगे इस पर्सन के पास और ये पर्सन आपको उस गुड्स के बदले में क्या देगा, कैश देगा। अब हुआ यूं कि जब ये गुड्स हमसे, मतलब हमने जब इसको बेचे तो जब ये हमारे पास आया तो हमसे पूछा इसने कि भाई कितने के दिए ये गुड्स। तो मैंने कहा देखो भाई ये गुड्स 100 रुपए का बेचूंगा मैं। तो ये पर्सन मुझे क्या बोलता है कि अगर 100 रुपए के गुड्स हैं तो आप हमारे जानकार हैं, क्या आप हमें कुछ डिस्काउंट नहीं देंगे? तो मैंने इसको ये बात बोल दी कि हम आपको 10 रुपीज का डिस्काउंट दे सकते हैं। तो इसने मुझे 100 रुपीज के गुड्स के बदले में, यानी जो घर लेकर गया ये तो अपने 100 रुपीज का गुड्स लेकर गया, लेकिन मुझे कितना देकर गया, 90 रुपीज ही देकर गया और मैंने इसको 10 रुपीज का डिस्काउंट दे दिया। तो देखो बेटे, अब आप देख सकते हो कि इसके अंदर हमारे पास 3 तरीके के अकाउंट अफेक्ट होंगे, एक तो सेल्स, दूसरा कैश और तीसरा होगा डिस्काउंट। सेल्स, कैश एंड डिस्काउंट, और सेल्स हो जाएगा रियल, कैश भी हो जाएगा रियल और डिस्काउंट हो जाएगा नॉमिनल। आप बिजनेस के मालिक बिजनेस के अंदर बैठे हैं, आप बिजनेस के मालिक बिजनेस के अंदर बैठे हैं और कैश आपके पास आ रहा है, कैश आपके पास आ रहा है, आप देख सकते हैं यहां पर। हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचते हैं हमेशा, तो अगर हमने गुड्स सोल्ड आउट किए हैं तो कैश हमारे पास आ रहा है, तो जो आ रहा है वो डेबिट हो जाएगा। और सेल्स हमारे हाथ से जा रहा है तो सेल्स चला जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा। तो ये डिसाइड हो चुका है कि कैश डेबिट होगा और सेल्स क्रेडिट होगा। अब हम डिस्काउंट के बारे में फैसला करेंगे कि डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट में देखते हैं कि फायदा या नुकसान, अगर नुकसान है तो डेबिट और फायदा है तो क्रेडिट। अब आप ये देखें, आपके हाथ से गुड्स गया 100 का, परंतु आपके पास मिले आपको कितने पैसे, केवल 90 रुपीज। अगर आपको केवल 90 रुपीज मिल रहे हैं 100 रुपीज के गुड्स के अगेंस्ट में, तो ऑब्वियस सी बात है आपका लॉस हो गया, 10 रुपीज आपको लॉस हो गया। क्यों? क्योंकि आपने दिया तो 100 रुपीज का, लेकिन उसके अगेंस्ट में आपको मिले 90 रुपीज, तो जो आपका लॉस हो गया 10 रुपीज का डिस्काउंट, तो वो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में जितने भी लॉसेज होते हैं वो डेबिट ही होते हैं और एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट। कैश कितने रुपए से डेबिट हो जाएगा? कैश डेबिट हो जाएगा 90 रुपीज से, क्योंकि हमें 90 रुपीज ही मिले हैं। और डेबिट वाले सबसे पहले लिखते हैं अपन, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, यानी डिस्काउंट भी डेबिट होगा 10 रुपीज और टू सेल्स अकाउंट 100 रुपीज, और सेल्स कितने से क्रेडिट हो जाएगा, 100 रुपीज से क्रेडिट हो जाएगा। और नरेशन आ जाएगा बीइंग गुड्स सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹10। तो ये आपके दोनों परचेज और सेल का विद डिस्काउंट के ट्रांजेक्शन। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी बात। तक मैंने आपको डिस्काउंट के बारे में बात बताई, आपको मैंने डिस्काउंट का ट्रांजेक्शन कराए, अब अपन डिस्काउंट को थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। देखो डिस्काउंट आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है? तो डिस्काउंट दो तरीके का होता है, म्यूट कर दो। एक होता है कैश डिस्काउंट, एक होता है आपका कैश डिस्काउंट और दूसरा होता है ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है? अब बात यहां पर आती है कि कैश डिस्काउंट किसे कहते हैं और ट्रेड डिस्काउंट किसे कहते हैं। बेटे वैसे तो देखो क्वेश्चन के अंदर ये बात लिखी होगी कि ये कैश डिस्काउंट है या ट्रेड डिस्काउंट है, ठीक है?
अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ ना लिखा हो कि कैश डिस्काउंट है या ट्रेड डिस्काउंट है, तो आप हमेशा कैश डिस्काउंट ही मानते हैं। अब दोनों में फर्क क्या है, तो फर्क मैं आपको बता देता हूं। अगर कैश डिस्काउंट है तो हम इसको एंट्री में शो करते हैं, और ट्रेड डिस्काउंट है तो हम इसको एंट्री के अंदर शो नहीं करते। तो नोट में के रूप में लिखवा रहा हूं, इट इज टू बी रिकॉर्डेड, इट इज टू बी रिकॉर्डेड। तो कैश डिस्काउंट में मैंने आपको बताया इट इज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, यानी और हम कह सकते हैं इट इज टू बी रिकॉर्डेड इन जर्नल एंट्री, यानी जब जर्नल एंट्री हम करेंगे तो उस वक्त कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करेंगे, डिस्काउंट का खाता खोलेंगे। लेकिन अगर मैं ट्रेड डिस्काउंट की बात करूं, अगर मैं ट्रेड डिस्काउंट की बात करता हूं तो मैं बोलूंगा इट इज नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। इसको बुक्स के अंदर हम रिकॉर्ड नहीं करते, और इसकी जो एंट्री होती है वो बिना रिकॉर्ड किए ही हो जाती है। और मैं यहां नोट के रूप में लिख भी देता हूं, अगर क्वेश्चन के अंदर कुछ ना लिखा हो कि कैश डिस्काउंट मानना है या ट्रेड डिस्काउंट, तो हमेशा हम कैश डिस्काउंट मानेंगे। हालांकि कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, उससे आपको बात और क्लियर हो जाएगी। नोट, इफ इट इज नॉट मेंशन, इफ इट इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन, इफ इट इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन दैट पर्टिकुलर डिस्काउंट इज कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट, वी ऑलवेज अज्यूम एज कैश डिस्काउंट। Another important point to be noted. अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नोट करने लायक है, वो क्या है कि मान लो अगर क्वेश्चन के अंदर आपको कहीं पर भी लिस्ट प्राइस मेंशन हो तो आप मानेंगे हमेशा कि ट्रेड डिस्काउंट है। तो मैं another important point to be noted में लिखवा रहा हूं, इफ लिस्ट प्राइस is given in the question, if list price is given in the question, we assume that transaction is having ट्रेड डिस्काउंट। हम क्या मानेंगे, ट्रांजेक्शन में ट्रेड डिस्काउंट है अगर क्वेश्चन में लिस्ट प्राइस दे रखी होती है तो। अब मैं आपको एक क्वेश्चन से समझाऊंगा बात। लिखा हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम विनोद ऑफ लिस्ट प्राइस ₹40,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। आपको साफ साफ लिख दिया ट्रांजेक्शन में कि ट्रेड डिस्काउंट है 10%। तो अब आप क्या काम करेंगे, इसका बनाएंगे डायग्राम, और डायग्राम बनाने के बाद इसको आप समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो देखिए, ये हमारा बिजनेस है और इस बिजनेस में हमने इस विनोद से कुछ गुड्स परचेज किए हैं। और जब नाम लिखा हुआ होता है, आगे कैश लिखा हुआ नहीं होता, तो हमेशा हम उधार का ट्रांजैक्शन मानते हैं। हमने परचेज किया है विनोद से उधार में, ठीक है। तो जब हम उधार में परचेज करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है अगले को कैश देकर तो आएंगे नहीं, क्योंकि कैश में ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दे रखा है, परचेज गुड्स फ्रॉम विनोद, आगे इन कैश नहीं लिखा हुआ। तो देखिए, अगर गुड्स परचेज हो रहा है विनोद से 40,000 रुपीस का और 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, तो हमको करना क्या होगा, इसमें देखना यह है कि कितने तरीके के अकाउंट अफेक्ट हुए हैं। एक तो अकाउंट हमारा अफेक्ट हुआ है परचेज
दूसरा अकाउंट हमारा इफेक्ट हुआ है कैश, कैश नहीं मानेंगे क्योंकि उधार है, तो दूसरा कौन सा ट्रांजेक्शन इफेक्ट हुआ है? विनोद। अब देखो बेटे, परचेज है रियल अकाउंट और विनोद है पर्सनल अकाउंट, परचेज है रियल अकाउंट और विनोद है पर्सनल अकाउंट, तो आप जानते हैं जो चीज आपके पास आ रही है रियल अकाउंट में आप उसको क्या करेंगे? डेबिट। और विनोद कौन है? विनोद है गिवर। अगर आप परचेज करते हो विनोद से तो विनोद है गिवर, जो हमारे पर्सनल अकाउंट में जो गिवर होता है वो क्रेडिट हो जाता है। तो ये बात तो पक्की है कि एंट्री क्या होनी है? परचेज अकाउंट डेबिट टू विनोद। अब क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट है इसलिए हम शो नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट है इसलिए हम शो नहीं करेंगे, तो कैसे करेंगे? अब आप देखें कि आपकी ग्रॉस परचेजेस कितने रुपए की थी। हमारी जो ग्रॉस परचेज थी वो थी 40,000 रुपीज की। उसमें से हमने क्या काम किया? उसमें से हमने लेस कर दिया ट्रेड डिस्काउंट। अब आप ट्रेड डिस्काउंट लेस करके दिखा, मतलब वर्किंग नोट में लेस कर लेते हैं रफ में, मतलब है वर्किंग नोट मतलब रफ वर्क में हम इसको लेस करेंगे। 40,000 का 10%, 40,000 का 10% आपका आ जाएगा 4,000 रुपीज, और ये 4,000 लेस करने के बाद जो 36,000 आए हैं, इस 36,000 से एंट्री हो जाएगी आपकी परचेज अकाउंट डेबिट टू विनोद अकाउंट। और बींग क्योंकि ये देखो ट्रेड डिस्काउंट था इसलिए डिस्काउंट का मैंने अकाउंट नहीं खोला और डायरेक्टली लेस करके नेट अमाउंट से एंट्री कर देते हैं। तो आप, मैं समझता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी, तो नरेशन लिखते हैं बींग गुड्स परचेज फ्रॉम विनोद एट अ ट्रेड डिस्काउंट। तो उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि जब भी हमारा ट्रेड डिस्काउंट होगा हमेशा हम उसको लेस करके नेट अमाउंट से एंट्री करेंगे और ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी शो नहीं करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरा वीडियो पसंद आया इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरे आगे के वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन नोटिफिकेशन दबाएं, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बने रहें। थैंक यू।